कब तक लड़की को कमरे में बंद रखेंगे? कब तक अपनी बच्ची इस तंत्र के असर में अपनों को ही अपना दुश्मन समझती रहेगी? कब तक पृथ्वी? मैं भी उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं माँ जी। साध्वी जी ने कहा तो है कि वो कोई उपाय लेके आएंगी, देखते हैं वो क्या सोचती है। नमस्ते साध्वी जी, बैठिए। पापा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। महापूजन करवा के आए, मां काली का आशीर्वाद लेकर आए। कल से नियति के शुद्धिकरण की विधि आरंभ होगी और बहुत जल्द तो उस काले जादू के असर से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। महापूजा का प्रसाद है, ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद खाने के बाद इन सब की कहानी खत्म। और साथ ही लीजिए ये संकल्प कि इस विधि में आप हमारा भरपूर सहयोग देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। हम आपका पूरा सहयोग देंगे, बस आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी जल्दी ही पूर्णतः उस काले जादू के असर से मुक्त हो जाएगी। सुमति, तुम इतनी देर से नियति के कमरे में क्या कर रही थी? वो पानी लेकर गई थी उसके लिए। उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए और कहा कि चले जाओ यहां से, तो बस। साध्वी जी, प्रसाद लेके आई है, कह रही है कि नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम भी प्रसाद ले लो। साध्वी को अक्षत लेकर आया और साध्वी ये प्रसाद लाई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। सब लोग खा लो प्रसाद, उसके बाद मेरे इशारों पे नाचोगे। मैं जानती हूं अक्षर, हम सब पर तुम्हारी नजर होगी, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरा सारा ध्यान तुम पर होगा। हो सकता है अक्षत वहीं जा रहा हो जहां ताबूत छुपाया होगा उसने। अक्षत का पीछा करने के लिए दूसरी घर की चाबी लानी पड़ेगी।
इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? आप पहली बार मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? तो इतने सालों में पहली बार तुम इतनी रात को ऐसे हड़बड़ाते हुए जा रहे हो। टेंशन है घर में? हाँ, तो इतना टेंशन है इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और घुटन हो रही थी, इसलिए बाहर जा रही थी बस टहलने के लिए। तो जाओ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अक्षत का पीछा कर रही थी ना तुम, और तुम्हें ये लगता है कि मैं हम सब और खासकर अक्षत नियति के पीछे पड़ा है? तंदर हुआ है उसे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी तरफदारी उसे? तरफदारी नहीं कर रही हूं मैं, सच कह रही हूं, नियति को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है वो। अपनी इज्जत छोड़ो, तभी उसको मदद कर पाओगे। अरे अक्षत को देखो, इतनी देर रात को भी वो साध्वी के पास गया ताकि वो अपनी बीवी को ठीक कर सके, लेकिन तुम हो कि तुम उसके काम में रुकावट डाल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें वो रुकावट डालने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो हमारी हो रही है, लेकिन तुम उसको ठीक देखना चाहती हो, है ना? तो चलो। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नियति की, आपकी, हम सबकी जान खतरे में है। सब समझ रही है, किसी की जान खतरे में नहीं है। तुम्हें ना यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। नियति की तरह बात करना बंद करो, तुम यहाँ से चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम दूर हो मुझे, दूर हो, मेरे पास मत आना। क्यों पापा? पापा अक्षत ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हे माता रानी, बस मेरी मदद करना। मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तुम्हें वो तंत्र है ना, तुम्हें मुझे घबराहट हो रही है मुझे। ठीक है मैं दूर हूं, लेकिन आप ये माँ के साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारी माँ जिद कर रही है, वो सुनते नहीं मेरी बात। रात को पता नहीं कब मैंने कहा ना, दूर रहो। चली गई सुमति, मुझे अक्षत को बताना होगा। मुझे एक फोन करना है, तुम दूर रहना, मैं फोन करके आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? और वहां भी इतनी रात को कहां? अक्षत की गाड़ी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, कैसे ढूंढूं? अक्षत की गाड़ी यहां हमारे वेयर हाउस में, यहां क्या करने आया है? नियति जिस बारे में बात कर रहे थे, शायद उसका पता चल जाएगा,
उसे फोन करके बता देती हूँ। माँ से फोन करके पूछती हूँ कहाँ है वो। माँ का फोन बिजी क्यों आ रहा है इस वक्त? किससे बात कर रहे हैं? नियति से बात होना बहुत जरूरी है वरना वो फिक्र करती रहेगी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है।